होगी, बनानी होगी, बनानी होगी, बनानी होगी, बनानी होगी। कानून मध्य प्रदेश में है, नगर निगम मोहल्ला कमेटी अधिनियम 2011, जिसके तहत जिसके लागू हो जाने से समूचे जबलपुर की जो शहरी आबादी है उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वह समाप्त होगा। जितने भी सरकारी दस्तावेज, चाहे मूल निवासी राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, उनमें जो अनियमितताएं आ रही हैं, उनमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों को जो तकलीफें हो रही हैं, उससे निजात मिलने का काम होगा। आप देखते होंगे कलेक्टर में, जिला अध्यक्ष कार्यालय में सैकड़ों ऐसे पात्र लोग हैं जो गरीबी रेखा के पात्र हैं मगर गरीबी रेखा के राशन कार्ड से वंचित हैं। अनेकों ऐसे लोग हैं जो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटकते हैं, उनसे सालों पुराना दाखिला खारिज मंगाया जाता है मगर अगर मोहल्ला कमेटी बन जाती है तो मोहल्ला कमेटी की अनुशंसा पे वो फलाने व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसी समस्याओं से निजात मिलने का काम होगा। वहीं दूसरी ओर नगर निगम को वह जो मोहल्ला कमेटियाँ हैं वह सहयोग के रूप में भी काम करेंगी। आज लोकतंत्र के आखिरी आदमी तक लोकतंत्र की जो अधिकार है वो पहुंचने का काम हो, लोकतंत्र में उनकी हिस्सेदारी हो, सामुदायिक सहभागिता बढ़े ताकि जबलपुर में जितने विकास कार्य हो रहे हैं उसमें आम लोग भी सहभागी बनने का काम हो सके। साथ ही साथ एक और बहुत अच्छी सुंदरता इस कानून में जोड़ी गई है कि देखने में आता है कि नगर निगम के टैक्स के कलेक्शन में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत सी गड़बड़ियाँ आती हैं, कहीं ना कहीं नगर निगम भी उन टैक्स को वसूलने में नाकाम होता है। लेकिन अगर मोहल्ला कमेटियाँ बन जाती हैं तो ये मोहल्ला कमेटियों का कर्तव्य होगा कि वो अपने मोहल्ले के लोगों का टैक्स इकट्ठा करें और एवज में नगर निगम की तरफ से उनको उपहार स्वरूप 5% का उन मोहल्ला समितियों को अनुदान मिलेगा, जिससे वह मोहल्ला समिति स्वयं के निर्माण कार्य वहाँ पर करा सकती हैं। मोहल्ला कमेटियाँ, जिस भी वार्ड में मोहल्ला कमेटियाँ अस्तित्व में, अगर वहाँ पर कोई विकास कार्य हो रहा है, उस विकास कार्य में अगर गुणवत्ताविहीन काम हो रहा है तो मोहल्ला कमेटियाँ हस्तक्षेप करके, देखिए ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। हमारे साथ सुरेश माली जी हैं जिनने सूरज माली जी जो 10 माह से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, तमाम जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो फॉर्मेलिटीज़ों से गुजरते हुए उनने यहाँ पर आयुक्त महोदय को, महापौर महोदय को ज्ञापन दिए, एप्लीकेशन दी, जितनी फॉर्मेलिटीज सब करी मगर आज दिन तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। आयुक्त महोदय ने उनसे कहा यहाँ पर एक आप आवेदन दे दें, शिकायत दे दें, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा सवाल जबलपुर की जनता के सामने है कि इतना सुंदर कानून जिससे आम जनता की समस्याओं को निजात मिलना है उसको यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का प्रशासन क्यों नहीं लागू कर रहा। इस आंदोलन के तहत आज महापौर जी को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र संजीदा होते हुए इस मामले पर आप ध्यान दें। और हम लोग साथ साथ जबलपुर की आम जनता से भी अपील कर रहे हैं, उनके बीच भी जनजागरण के माध्यम से उनको आगाह कर रहे हैं कि ये कानून आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, आगे आके अपने मोहल्ले में आप मोहल्ला समितियों का निर्माण कार्य कराएँ और मोहल्ला समितियों को नगर निगम में पंजीकृत कराने का काम।